हमेशा से हॉट सीट माने जाने वाली फतेहपुर सीट इस बार पहले से ज्यादा हॉट मानी जा रही है। बीजेपी ने अपने वन मंत्री राकेश पठानिया को यहां से टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा है, लेकिन बीजेपी से निष्कासित पूर्व सांसद एवं पूर्व राजस्व मंत्री डॉक्टर राजन सुशांत व पूर्व राज्यसभा सांसद एवं बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष कृपाल परमार भी चुनाव भवन में कूद पड़े हैं, जिन्होंने भाजपा प्रत्याशी राकेश पठानिया की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। यही कारण है कि यहां पर चुनावी गर्मी बढ़ने से बीजेपी को पसीना आना लाजमी हो गया है। इस बार फतेहपुर में चार कोणी मुकाबला होगा। इस बार फतेहपुर में कांग्रेस से भवानी पठानिया, भाजपा से राकेश पठानिया, भाजपा से बागी हुए पूर्व सांसद डॉक्टर राजन सुशांत व भाजपा से असंतुष्ट चल रहे कृपाल परमार, इस चार धुरंधर चेहरों के बीच चार कोणी मुकाबला होने जा रहा है। अभी तक इतिहास गवाह है कि फतेहपुर में भाजपा ने ही भाजपा का खेल बिगाड़ा है। अगर विधानसभा क्षेत्र फतेहपुर के पिछले चुनावों पर नजर दौड़ाएं तो बीजेपी बहुल क्षेत्र फतेहपुर में कांग्रेस पिछले 13 वर्ष से विजय भव का आशीर्वाद प्राप्त किए हुए है और लगता है कि यह आशीर्वाद लंबा चलने वाला है। बता दें कि पिछले हर चुनाव में बीजेपी के असंतुष्ट नेताओं ने भी बीजेपी की नैया डुबाने में व कांग्रेस को जिताने में अहम भूमिका निभाई है। ऐसा ही इस वर्ष भी संकेत मिल रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह बनता है कि पहले से ही फतेहपुर के एक दर्जन टिकट के दावेदारों को दरकिनार कर व आज तक हमेशा से ही बाहरी नेताओं का विरोध होने के बावजूद भी बाहरी प्रत्याशी को फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी का टिकट देना कहां तक उचित रहेगा। हाईकमान द्वारा राकेश पठानिया को फतेहपुर बीजेपी का प्रत्याशी बनाना टिकट अन्य दावेदारों व नेताओं के लिए गले में फंसी का उस हड्डी के समान हो चुका है, जिसे ना तो निकला और ना ही उगला जा सकता है। अब हालात ये बन गए हैं कि टिकट के दावेदार दुबक कर बैठ गए, लेकिन होने वाले चुनावों में क्या गुल खिलाएंगे यह पिछले चुनावों में देखने को मिल चुका है। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए फतेहपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।